माँ कुछ कर, मिला दे तेरे बनाए उस जोड़े को, कोई तो रास्ता दिखा माँ। आखिर तूने इशारा दे ही दिया, ये अपनी चुंदरी बेच दी। मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सुनो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज माँ उन दोनों को मिलाएगी। देखो तुम बचाओ, इतना जोर से बचाओ कि सारी कायनात ना छूटे। बचाओ, आज मैं नाचूंगी, तुम दोनों के साथ मैं भी नाचूंगी। माँ उन दोनों को मिला रही है, वो प्यार की कहानी फिर से रचेगी। फिर से ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, एक कसम के लिए, तो प्यार की कसम, तो प्यार की कसम। तुम इस घर में क्या कर रही हो? अब तक गई क्यों नहीं? हाँ? वो ये फ्रूट्स वो आंटी ने बोला कि वो मैं ये फ्रूट्स आंटी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आंटी ने कहा कि ये फ्रूट्स ऋषि और मलाइका के लिए ले जाओ। पागलों, नहीं तुम चीज क्या हो? मैं फ्रूट्स के बारे में नहीं, मैं पूछा कि तुम इस घर में क्यों आई हो, वापस क्यों आई हो इस घर में? तुम्हारे लिए। I'm sorry? नहीं, मेरा मतलब है कि वो अभी तक केस बंद नहीं हुआ है ना, तो वो वापस आ सकते हैं पूछताछ के लिए। अगर मैं यहाँ नहीं हुई तो सबके लिए और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि घर वालों के लिए और तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत है, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस घर में क्यों आई हो वापस। तुम बहाने मत बनाओ, ठीक है? तुम्हारे हर एक बहाने को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम बहाने मत बनाओ। तुम कौन हो, तुम्हारे इरादे क्या, मैं सब जानता हूं, सब कुछ समझ चुका हूं मैं। तुम चाहे जितने बहाने बना लो इस घर में रुकने के, मुझे सब पता है। और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अच्छा बनने की, मेरी नजरों में तुम कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारे इरादे क्या है, तुम्हारी सारी प्लानिंग मैं समझ चुका हूं। सुन रही हो ना, तो प्लीज ये सब मुझसे मत ट्राई करना और मुझसे दूर ही रहना। I'm warning you. Thank you.
ये तो मैंने तब महसूस किया था जब आज फिर वही एहसास क्यों हो रहा है जो तब हुआ करता था जब तनु हुआ करती थी। आज तनुजा के साथ वही एहसास, बिल्कुल वैसा ही करंट लगा जैसे तनु। ये तनुजा तनु कैसे हो सकती है? अरे वो तनुजा ही तो तनु है, तेरी तनु। वो नया जन्म लेकर आई है, पुनर्जन्म हुआ है उसका। वो आई है अपनी कसम पूरी करने के लिए, तुझे पूरा करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। तनुजा तनु नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तनु का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूं कि तनु का पुनर्जन्म हुआ है, तनु का पुनर्जन्म उसके कातिल के घर में नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये वो वाला करंट नहीं है। ये वो किस्मत कुंडली कायनात वाला करंट नहीं है। ये साइंटिफिक करंट है। हाँ, जब जैसे हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठ के जब उठते हैं तो जब हमें करंट लगता है, ये वो करंट है। हाँ, बस और कुछ नहीं, सिर्फ वही करंट है। मुझे उस लड़की तनुजा से दूर रहना होगा। उसका चेहरा मुझे तनु की याद दिलाता है, बल्कि याद दिलाने लगा है। हाँ, मेरी तनु की याद, मुझे उसे दूर रहना होगा। जो मैं फिल्म बना रही हूँ ना, उसमें तेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देख, तनुजा को ना मैंने किचन में भेज दिया है। अब तू जा और उसके ऊपर नजर रख। अब वो क्या बोलते हैं, सुपरवाइज कर। नहीं मॉम, ये ना आप दिव्या भाभी को बोलो, वो करेंगी। उनकी बहुत तेज नजर है, वो क्या सुपरवाइज करेंगे आपको। तू दिव्या को जानती नहीं, दिमाग से पैदल है। उसे ना तरस आ जाएगा इस पर। हाँ, और उसकी हेल्प करनी शुरू कर देगी। तो थोड़ी सख्त है ना मेरी तरह। चल उसको मजा चखाते, चल चल। लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि आप उससे क्या करवाओगे, क्या काम करवाओगे? बताती हूँ, पहले चल तो सही। अच्छा, बताती हूँ। मॉम, खाना तो बन गया है, तो फिर ये सब? अच्छा, तो मतलब आज हम सब इसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। इसके हाथ का बना हुआ खाना ना, तो मैं घर वालों को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो इसके हाथ तोड़वाने हैं। मेरा मतलब है कि घर वालों के साथ ना इसका संबंध तोड़वाना है। प्याज काटे? जी जी, बस काटने जा रही हूँ। याद है ना 25 मिनट में खाना मंदिर में पहुंचाना है, याद है ना? जी। क्या है ना, कल बहुत बड़ी बला टली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गरीबों को खाना बिटवाऊ। अच्छा काम किया ना मैंने। अरे एक मिनट, मैं अभी ना। चलो इसी बहाने गरीबों का भला तो हो जाएगा, तो भगवान ही जाने कि ये पुण्य किसके खाते में जाएगा। प्याज कट गए, अब दाल में चौका लगा देती हूँ, फिर टमाटर काट लूंगी। सुनो, अच्छे से काम करो। हाँ, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। एक मिनट, हमारे घर में मिक्सी में मसाला नहीं पिसता। हाँ, सिलबट्टे पे पिसो, उससे स्वाद चला जाता है।
पानी मत डालो, पानी मत डालो। पानी नहीं डाला तो मिर्ची उड़ेगी। पानी डाला तो स्वाद उड़ जाएगा। हाँ, बिना पानी के पीसो। तू तेरा हाथ जल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी में डाल, जल्दी डाल, छाले पड़ जाएंगे तुझे। थैंक यू, बहुत जोर की लग गई थी आंख पे। अच्छा ये मसाले डाल दो, ये भी सिलबट्टे पे ही पिसा हुआ है, तुम्हें और ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हें पता है, तुमने मुझे अभी अपनी छोटी बहनों की याद दिला दी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही डांट के अपना हक जताती है मुझ पे। एक बार तो ना, जब मैं गुड इवनिंग बड़ी मॉम, गुड इवनिंग, एक मिनट, तू तो सुबह से गई है ना, अभी क्यों वापस आ रही है? बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए गई थी, सुबह सुबह ही तो होती है। अच्छा, हाँ सुबह सुबह होती है, पर अब तो इवनिंग हो गई है ना, इतनी देर कहाँ पर थी तू? हाँ मैं कहाँ बड़ी मॉम, मैं तो घर पे ही हूँ, आप बिजी रहते हो, तो आपके पास टाइम नहीं है मेरे। वो तो तू सही कह रही है, आजकल तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ सच में। कहाँ बिजी रहते हो आप, सारा काम तो हो गया और उस तनुजा ने 25 लोगों का खाना भी भिजवा दिया, अब बताओ क्या करें? अरे हाँ दिव्या, मैंने तो सोचा था कि 25 लोगों का खाना तो वो 25 दिन में बनाएगी, पर उसने तो फटफट बना दिया। बापरे, बहुत ही चुस्त निकली वो तो। वो तो तेरी तरह कुकिंग क्लासेस में भी नहीं जाती है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो मिर्च का डिब्बा वो नीचे कैसे आया? अरे उसी ने उतारा होगा ना, डिब्बे से मिर्च निकाली होगी और क्या। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो डिब्बा उसने नहीं उतारा, क्योंकि उस डिब्बे के ऊपर मैंने निशान बना रखा। हाँ वो डिब्बे में से तो मिर्च निकाली ही नहीं निकाली। खैर छोड़ो, 25 लोगों का खाना तो उसने बना लिया है, लेकिन अब मैं उसके हाथों पर छाले ना पड़वा दूं ना, तो मेरा नाम रानो सिंह बेदी नहीं। बड़ी मॉम, अब आप उससे क्या क्या करवाएंगी? पानी। पानी? पहले खाना फिर पानी। खाने के बाद पानी तो सभी पीते हैं। ओह, अब आप पानी गरीबों में भी बंटवाओगे? नहीं मेरी स्माइली, मैं बंटवाऊंगी नहीं, मैं उससे पानी भरवाऊंगी। किचन में, बाथरूम में, सब जगह में उसे पानी भरवाऊंगी। बाहर जो टंकी है ना, उसका सारा पानी वो भर भर कर घर के अंदर लाएगी। मम्मी जी, पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं। कब से? जब से तू कुकिंग क्लासेस में जा रही है ना, तब से। मैं कुकिंग क्लासेस? बेवकूफ, मैंने जो वो मेन नॉब है ना पानी की, वो मैंने बंद कर दी है। ओ, वैसे? हाँ ऐसे। अब क्या होगा, जो पानी आता है ना वो आना बंद हो जाएगा, तो अब उसे बाहर से पानी भर भर कर घर में लाना पड़ेगा। हाँ, जितनी भी जरूरत होगी। अब उसके हाथों में अगर मैंने छाले ना पड़वा दिए ना, तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदल देना मतलब आपने कोई दूसरा नाम सोच लिया? नहीं बेटा, मेरे नाम बदलने की नौबत नहीं आएगी, अब नौबत तो उसकी घर से जाने की आएगी, देख लेना। आप तो कितनी जल्लाद सास हो। क्या मेरा मतलब है, आप
बन सकती है जल्लाद। मैं जल्लाद? हाँ, मुझे जल्लाद कह रही है तू? हाँ, आई मीन मम्मी जी, वो आपके अंदर ना सारी क्वालिटीज है कि अगर आप चाहो तो बन सकते हो। बोल, जल्लाद बन सकती हूँ? मैं जल्लाद? हाँ, सारी क्वालिटी। चाची की इतनी हिम्मत, जो आपको ऐसा बोले उनका मतलब ऐसा नहीं था, उनका मतलब ये था कि आपके अंदर सास वाली सारी क्वालिटी है, जैसे गुस्सा, फेस पे स्माइल, और वो आप बड़े लोग क्या कहते हैं, मीठी छुरी, राइट मम्मी जी? अच्छा, अब छुरी भी? हाँ, मीठी छुरी, वेरी गुड, वेरी गुड। बोल 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 बोल, और क्या कहना है? अरे बस छोड़ो। अरे बाप रे, मैं इन सब चक्रों में ये तो भूल ही गई कि ऋषि और मलाइका को कैसे साथ में लेकर आऊं। कैसे 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 क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी, खाना। आपको कहावत तो याद होगी ना, पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया है। खाना, मलाइका ऋषि के लिए खाना बनाएगी। बेवकूफ, तूने तो इतनी कुकिंग की क्लासेस की हैं, तू अब तक खाना बनाना नहीं जानती? तू अमेरिका से आई लड़की, वो क्या खाना बनाएगी? हाँ, अरे वो तो बर्गर्स और पिज्जा और पास्ता पता नहीं क्या क्या खा करके पली बड़ी है। उसको तो ढंग से चाय बनानी तक नहीं आती। मतलब आती है, थोड़ी बहुत बना लेती है। तो क्या करें अब? लेकिन तनुजा, वाह, खाना तो तनुजा ने बनाया था। क्या खुशबू आ रही थी किचन में से जब वो खाना बना रही थी। मेरा दिल कर रहा था भाग कर जाऊं और खाना खा लूं। मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खुशबू अच्छी आए तो खाना भी अच्छा होगा। बेकार खाना बनाती है, एकदम बेकार खाना। बड़ी बहू, मैं आपको एक आइडिया दूं, अमेरिकन आइडिया। बोल। हॉट एंड सेक्सी क्लोथ। हॉट एंड सेक्सी कपड़े, छोटे छोटे। बेवकूफ, तू अपने चक्स को नहीं जानती क्या? उन्हें इस तरह के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो पूरे ढके ढके वाले कपड़े पसंद है, जैसे तनुजा पहनती है। अरे रानू, कल चूहे ने ना बर्तन गिरा दिया था, तो मेरे राजी ने कहा, उसने ठान लिया कि इस चूहे को घर से बाहर निकाल देगा। मैंने उसे कहा कि 3 दिन रुकने दे, फिर वो आप ही आप चला जाएगा। वैसे भी चूहा तो स्टोर रूम में रहता है, किचन में तो आता नहीं है वो। कल तो शायद गलती से आ गया था वो, है ना? हाँ जी बीजी, हाँ जी। ठीक है, मैं ना राजी को जाके समझाती हूँ, ठीक है? आइडिया। मुझे मारने का? वो भी बहुत जल्दी। क्या? अरे आई मीन मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी ना, जैसे बिना राजा के लड़ाई नहीं होती और बिना बैंड बाजे के शादी नहीं होती ना, वैसे ही बिना चूहे के पर डरता भी नहीं है। आपको याद है लास्ट टाइम जब मलाइका आई थी तो उसने जब चूहा देखा था वो कितना डर गई थी, इतना चिल्ला रही थी, इतना शोर मचा रही थी कि उसने मुझे घंटों तक पकड़ा हुआ था, यहाँ तक कि मेरी ना कलाइयां भी लाल हो गई थी, याद है आपको? अरे टेंशन नहीं है ना, टेंशन क्यों लेनी? बीजी ने क्या बोला है कि अब चूहा है नहीं तो मलाइका कैसे देखेगी? कुछ भी बोलती है। अरे मेरी बड़ी मोम, मेरी नोशन मोम, अब समझ नहीं रहे हो? ओ यस, ओके 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 ओके, हाँ अब समझ गई मैं, अब समझ गई। मम्मी जी, हम एक काम करते हैं, हम मलाइका को ना स्टोर रूम भेज देंगे और ऋषि को तो आप भेज दोगे, जैसे वो चूहा देखेगी ना ऋषि से इतना चिपट जाएगी कि उसे छोड़ेगी नहीं, और फिर प्यार की बरसात होगी, है ना? चल 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 कर ना, जल्दी से प्यार की बरसात करवाते हैं। हाँ, चलो चलो। आंटी, मैंने बाहर वाली टंकी में पानी भर दिया है और किचन में भी पानी भर दिया। ओके, तो तुम एक काम करो, जो बाथरूम है ना उसमें टब जो रखे है उसमें भी पानी भर दो। वो क्या है ना, अब शाम हो गई है, सब लोग आएंगे, फ्रेश होंगे, हाँ, तो वो जो टब है वो बहुत बड़े हैं, उनमें कुछ 15-20 बाल्टी आएंगी हर टब में, ठीक है? और ऊपर तक भर देना। जी। क्यों, तुमने देसी घी ज्यादा खाया है?
क्या तुम्हारी मुस्कान अच्छी है? मतलब? मेरा मतलब ये था कि वैसे तो मैं तुम्हें चुपचाप गुमसुम मायूस सी देखती हूँ, कभी तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रही हूँ। मुस्कुराया करो, तुम मुस्कुराते हुए उतनी भी खराब नहीं दिखती। पता नहीं मुझे मुझे क्या वो तुम प्लीज अंदर जाओ, मैं सब कर लूंगी। अच्छा सुनो, पानी बाथरूम में मत भरना, शाम तक पानी आ जाएगा। पर आंटी ने कहा था कि शाम तक सारे। हाँ मैं जानती हूँ, शाम को जब तक सब आएंगे तब तक पानी भी आ जाएगा। अब जितना अभी घर में पानी उतना अभी के लिए लोगों के लिए काफी है, तुम्हें पानी भरने की जरूरत नहीं है। आंटी ने कहा था कि शाम को सारा काम। मॉम ने ही मुझे भेजा है तुम्हें बताने के लिए कि पानी भरने की जरूरत नहीं है। मैं बस वही बताने आई थी, मैं चलती हूँ। गॉड, हे सच्चे पाशाह, काम हो जाए काम हो जाए। दिव्या दिव्या, काम हो गया? हाँ, मैंने ना एल्बम अलमीरा के ऊपर रख दी है। वेरी गुड यस। लेकिन अगर चूहे ने उसे काट दिया तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं काटेगा, काट ही नहीं सकता, क्योंकि मलाइका तो बच जाएगी और जल्दी से उसको ले जाएगी। हाँ, तो कैसे काटेगा वो उसको? नहीं, लेकिन मम्मी जी अगर काट दिया तो हम एल्बम की जगह कुछ और भी तो रख सकते हैं ना। अरे बेवकूफ, अरे एल्बम की जगह अगर कुछ और रखेंगे तो मलाइका कैसे देखेगी उसे? जब हम उसे बताएंगे कि वो ऋषि के बचपन के फोटोग्राफ्स हैं उसके अंदर, तो उसके दिल में कुछ कुछ होगा ना, और वो देखने के लिए जाएगी उस गंदे से स्टोररूम में। हाँ मम्मी जी, मैं भी तो गई उस गंदे से स्टोररूम में। आपने मुझे ऑर्डर दिया कि एल्बम को अलमीरा के ऊपर रखना, और मैं फटाफट से हो आई। नहीं बड़ी मॉम, दिव्या चाची नहीं गई थी, चाची बाहर खड़ी हुई थी, मैं गई थी अंदर वहां स्टोर रूम में। अरे ये तो हमारा सीक्रेट था ना। एक मिनट, अरे झगड़ क्यों रहे हो? काम हो गया ना, बस यही चाहिए था। हाँ मम्मी जी, काम तो हो गया, अब आप बस आप ये बताओ कि आगे क्या करना। हम तो बस आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। देखो सुनो, अभी क्या होगा, स्माइली तू बाहर जा, और जैसे ऋषि की गाड़ी आए मुझे तुरंत कॉल कर देना। हाँ, और फिर उसके बाद मैं मलाइका को स्टोर रूम में भेज दूंगी। ओके। और फिर ऋषि को भी भेज दूंगी। हाँ, और फिर वो दोनों वहां पर। यस, मैं अभी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ये स्माइली मुझे देख के तो स्माइल क्यों कर रही है? मलाइका वहां क्या कर रही हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? आंटी, मैं ना बोर हो चुकी हूँ। क्यों? आपके बेटे की वजह से। मतलब 24 घंटे काम काम काम, एक कॉफी ब्रेक तक नहीं लेता। इनफैक्ट कोई ब्रेक नहीं लेता। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई करता है आंटी? नहीं बेटा, करता तो नहीं, पर ऋषि नाम शुरू से ऐसा नहीं था। पता है? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें ऋषि के बारे में कुछ जानना है ना, तो तुम्हें स्टोर रूम जाना पड़ेगा। मतलब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ। अभी स्टोर रूम जाना पड़ेगा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी ये तो कुछ समझी नहीं, मैं इसको समझा दूं कि क्या है, क्यूआर कहाँ रखा है। इसका मतलब ये बोल रही है कि वो कहाँ है। कौन कहाँ है? ऋषि। अरे वो क्या है ना, थोड़ी देर पहले हम लोग ऋषि के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने उसको बताया कि ऋषि जब 2 साल का था ना, तो उसको ना निक्कर पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो ऐसे ही घूमता रहता था। तो एक दिन मैंने क्या किया, उसकी ना पिक्चर क्लिक कर ली, और इसने मेरी बात मानी नहीं। बोले जा रही है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऋषि को देख के तो ऐसा लगता नहीं। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है, मैंने देखा है। बस वही सबूत दिखाने के लिए मैंने इसे एल्बम दिखा दी, और ये एल्बम चोरू में रखा है। अब पता नहीं कहाँ रखकर आई थी, बस वही बात कर रहे थे। ऋषि के बचपन की एल्बम? आंटी मुझे भी देखनी है प्लीज। तुम्हें भी देखनी है? ओ, वो तो दिव्या ना स्टोर रूम में रखकर आई है, और कहाँ रखी है उसने पता नहीं।
ओके नो के नो के अरे तुम्हें वो एल्बम देखनी चाहिए हाँ लेकिन क्या करें कैसे देखोगी अब दिव्या तो यहाँ पर है ही नहीं वो तो चली गई दिव्या यहाँ पर है नहीं ये तो रही हाँ है है पर अभी तो नहीं है कहाँ है हाँ नहीं है अरे दिव्या कहाँ गई अरे अरे, अरे अरे मेरा मतलब है दिव्या थी पर अभी वो नहीं है दिव्या ना बस ऐसी है एक पल में इधर होती है एक पल में पता नहीं कहाँ चली जाती है वो ऐसी है टेंशन ना ले तू हाँ नेवर माइंड एक्सक्यूज मी हाँ हेलो जी ओके जी 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 थैंक यू जी जी ओके बाय बाय तो अब दिव्या तो यहाँ पर है नहीं तो एल्बम कौन लेकर आएगा हाँ मैं लेकर आती हूँ हाँ लेकिन मैं क्यों जाऊँ मैंने तो वो एल्बम देखी हुई है ना एक काम कर तू जा और तू एल्बम लेकर आ जा ठीक है आंटी थोड़ी देर में लेके आती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ तब तक अरे फ्रेश ओ माय गॉड बेटा तू कितनी फ्रेश लग रही है इतनी फ्रेश तो तू कभी भी नहीं लगी नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं तुम ऐसे जाओ चली जाओ ऐसा ठीक है आंटी लेकिन सुन 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 वो जो पहली फोटो है ना वो मत देखना वो क्यों इसलिए कि उसमें ना ऋषि जब 6 महीने का था ना तो उसमें ना कुछ नहीं पहना हुआ उसने तुम उसे देखोगी तो तुम्हें शर्म आएगी ना नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आनी चाहिए शर्म ऐसी फोटो देख के शर्म आनी चाहिए तुम्हें ठीक है तो मैं वो फोटोग्राफ नहीं देखूंगी राइट पर पहले एल्बम तो लेके आऊं जा 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 भागो भागो यस ऐसे मुझे ऋषि की एल्बम में से उसकी वो फर्स्ट वाली फोटोग्राफ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए और उस टाइम ऋषि बहुत छोटा था और उसने कुछ भी नहीं पहना अब वो फोटोग्राफ मैं अभी देखूं या परमिशन लेने के बाद अरे लेकिन एल्बम तो स्टोर रूम में और मुझे तो पता ही नहीं कि स्टोर रूम है कहां जाऊं जॉन सुनना यस मैम ये स्टोर रूम किस साइड है सीधा जाके लेफ्ट लीजिए थर्ड वाला कमरा है यहाँ हाँ यहाँ ओके थैंक्स यू आर वेलकम अब कुछ ही सेकंड्स में इस बेदी हाउस के स्टोर रूम में एक लव स्टोरी शुरू होने वाली है यस ये मॉम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है ऋषि भाई ये मिस्टर काबरा इंपॉर्टेंट फोन को मिस्टर काबरा हाँ आपका हाल जी बताइए मोनू यहाँ तो बहुत अंधेरा है मुझे तो डर लग रहा है स्विचेस ढूंढती हूँ लाइट के Thank God, light तो on हुई अब एल्बम ढूंढती हूँ अरे अब इस लाइट को क्या हो गया नहीं नहीं अंधेरे से मत डर एल्बम ढूंढ Come on, मलाइका अंधेरे को मत देख ऋषि की फोटो को देख Be strong, be strong. गॉड ये ऋषि तो फोन पर ही बात किए जा रहा है और वो मलाइका इतनी देर हो गया स्टोर रूम में गए हुए अभी तक चिल्लाई नहीं हद होती है इसकी
ऋषि, ऋषि पुत्र मासूम, ऋषि जल्दी जा, स्टोर रूम में से मलाइका के चिल्लाने की आवाज आ रही है, प्लीज जा, जल्दी जा, आजा, एक मिनट, एक मिनट, अरे मिस्टर काबरा से बात करो, आप बात करो, मैं स्टोर रूम में देखता हूँ। हे भगवान, मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। हीरो को जाना था, हीरो का भाई क्यों जा रहा है? अरे स्टोर रूम में मैंने लव स्टोरी बनानी थी, रक्षाबंधन नहीं। हाँ मैं देखता हूँ स्टोर रूम में हुआ क्या। बात करो, बात करो, बात करो। आओ, वो अंदर और ये गिर गया। और तू ठीक है ना? छोटे, हाँ छोटे। क्या क्या हुआ तुझे? हाय रब्बा, वो बाहर ना आ जाए। क्या हुआ? तू ठीक है? तू गिर कैसे गया? ऋषि पुत्र वो फिर से चिल्लाई, जा तू स्टोर रूम में जा, तुम जाओ, तुम बेटा उसे, हाँ ये देख ले। ओए यार, तू फिर गिर गया, चलो उठ बेटा उठ। कितने हैं शहसवार ही मैदान जंग में। ये मुझ पर उंगली क्या कर, नीचे कर। हाँ, और मैंने इस बार तुझे नहीं गिराया। हाँ इस बार मतलब? मेरा मतलब मैंने तुझे कभी भी नहीं गिराया, तो खुद ही गिरता है ना वो, सुबह जो वीडियो गेम खेलते हुए कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, उसको क्यों बोल रहा है, मुझे क्या देख रहा है तू? होता है, मेरी तरफ क्या देख रहा है? ओ, मैं तो तेरे गिरने के बाद आया था यार। तो नहीं बेबी, तो किसने गिराया मुझे? मैं, हाँ तो ठीक है ना, इतनी छोटी सी चोट का बड़ा इश्यू क्यों बना रहा, मुझे थोड़ी ना लगी है, दर्द हो रही है, तो जाके बैठ ना, बिठाओ जी इसे, बिठाओ। अच्छा, आजा। मलाइका स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? चुहा। तुम डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ, कुछ 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 हुआ नहीं है, मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ओके, वो देखो चुहा चला गया, देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम
तुम यहां स्टोर रूम में क्या कर रही हो? तुम मलाइका यहां पे थी तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां स्टोर रूम में क्यों आई? सिर्फ बीजी के कपड़े बाकी हैं, उनके मैं उनके कमरे में रखी। मलाइका क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों, इतनी डरी डरी सी क्यों? वो ना मैं अभी स्टोर रूम में गई थी। हाँ। और स्टोर रूम में ना बहुत अंधेरा था, और मतलब लाइट थी लेकिन तब भी बहुत अंधेरा था, मतलब होके भी नहीं थी। वहां पर ना मैं ऋषि की एल्बम लेने के लिए गई थी, लेकिन स्टोर रूम में पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? चूहा, एक बहुत बड़ा चूहा। हाँ, और उस चूहे को देखकर मैं इतना डर गई कि मैं बहुत तेज भागी और तेज भागी और तेज भागी। मैं भागते 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 जब बाहर आई तो मैं बहुत जोर से तनुजा से टकरा गई। अच्छा हुआ कि मैं तनुजा से टकरा गई, मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि तनुजा मिल गई। तो मैंने वो ऋषि की एल्बम लेने के लिए तनुजा को स्टोर रूम में भेज दिया। अब तनुजा को मैंने स्टोर रूम में भेज तो दिया, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि वहाँ चूहा है कि नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी तक वो चूहा वहाँ होगा या नहीं? पता है, उस चूहे को देखकर ना मैं बहुत घबरा गई, और ये बात मैं तनुजा को बताना ही भूल गई कि अंदर चूहा है। तो अब तनुजा अंदर चली गई है और तनुजा अभी तक बाहर नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कि उसने चूहे को देखा है या नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि उसने चूहे को देख लिया होगा? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तनुजा भी चूहे से डरती होगी या नहीं डरती होगी? ओह, मेरे को तो पापा को फोन करना था, कॉल बैक करना था। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। तनुजा का तो पता नहीं, मेरी तनुदी चूहों से बहुत डरती थी। दी, आज तेरी बहुत याद आ रही, इतनी याद के आज मुझे तनुजा में भी तू दिख रही है। आराम से, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ इतना दर्द नहीं हो रहा। एक्चुअली जहाँ लगी है ना वो नहीं, कहीं नहीं लगी एक्चुअली, छोटी मोटी चोट है। यू डोंट वरी, ऑल कूल, ऑल ओके। ओके ओके तो होना ही चाहिए, तेरी उम्र ही क्या है। तेरी उम्र में तो हम पेड़ पे चढ़ जाते थे, छत पे चढ़ जाते थे, गिरते थे पर रोते नहीं थे तेरे जैसे। इसीलिए कहती हूँ देसी घी खाया कर, चाइना का माल खाता रहता है, चाइना के माल में तो गारंटी नहीं होती है, समझा? अरे बीजी, मेरी ना बहुत ज्यादा गारंटी है, आप उसकी टेंशन मत लो। एक्चुअली क्या ना कि जो आप अपनी उम्र में करती थी ना, छत पे चढ़ जाती थी एंड ऑल, मैं तो बचपन में करके कब का छोड़ चुका हूँ। मैं तो कितनी बार गिरा हूँ, कितनी बार उठा, उठ के वापस से चला हूँ। जैसे अभी गिरा ना तो अब वापस से उठूंगा, वापस से चलूंगा। लुक एट मी, वॉच मी, जैसे जैसे अभी करने वाला हूँ, जाके फ्रेश होके आता हूँ। ओके अरे वाह, तेरी चाल तो बहुत पसंद आई मुझे। क्या चाल है, चला उठा बैठा, पता नहीं कैसे चाल चल रहा है। इस चाल को ना किसी की नजर ना लगे, है ना? हाँ, नजर नहीं लगे। हाँ, exactly। अरे ये जो चाल है ना बीजी, ये अभी अभी मार्केट में आई है, यू नो, अभी अभी लेटेस्ट फैशन। सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया, और मुझे देख के ना हर इंसान कॉपी करेगा, देखना अब। सॉरी बेटा, तो मेरी वजह से गिरा, पर तेरे गिरने का फल मुझे मिल गया। मैंने तेरे भाई की लव स्टोरी सेट कर दी, तेरा भाई खुश तो तू भी खुश। ओए ओए चली, हंस रही है? ओए बाप की हालत देख, ये नहीं कि उसकी मदद करे, हंस रही है मतलब नाम स्माइली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात को मजाक में ले। सब लोग हंस रहे हो, अरे दिस इज नॉट फेयर यार, मुझ पे हंस रहे हो आप लोग। अरे अरे मेरी कोई चाल वाल नहीं है, मुझे बहुत तेज लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ पुत्र, पता है लगी है। अच्छा मेरी एक मिनट, मेरी चमक छलो, मेरे कंधे पे हाथ रख, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ के आता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मैं जॉन को ना सीक्रेट बता के आती हूँ, मेरा मतलब है काढ़ा बनाने का। एक ग्लास पिएगा ना, सारा दर्द छू मंतर हो जाएगा। हाँ कंग्रेचुलेशंस मम्मी जी, सेलिब्रेशन बड़ी मॉम। मम्मी जी सोचो ना अंदर क्या क्या हो रहा होगा, हॉग करूंगी किसी से। इसके समय नहीं, अब तू ज्यादा मत सोच, ठीक है? तू अभी बच्ची है ना, हाँ तू जा, तू अपना काम कर, हम सोचेंगे, हम बड़े हैं, तू खिलौनों के साथ खेल, ठीक है? हाँ गुड गर्ल, गुड गर्ल। क्या क्या पूछा मैंने? नहीं, दिमाग है, दिमाग है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बहुत सिंपल चीज है कि अगर अगर तुम्हें चूहे से डर लगता तो भाग जाती, जैसे मलाइका यहाँ इस कमरे से भाग कर गई। कॉमन सेंस है तो नहीं, मैं जानता हूँ कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, अगर डर लगा तो भाग जाते, क्यों नहीं गई तुम? मुझे मलाइका ने यहाँ पे भेजा था वो एल्बम लेने के लिए। एल्बम
मतलब तुम्हारा वो बचपन का एल्बम, फोटो एल्बम। मैं यहाँ लेने आई तो ऊपर से उतार रही थी, उतने में मुझे चूहा दिख गया, मैं डर गई और एल्बम गिर गया। गिर गई? कहाँ है एल्बम? ये फोटो, ये फोटो तुमने देखी? तुमने देखी तो क्यों देखी? मैंने नहीं देखी, तुमने मुझे दिखाई। मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ऋषि, तूने खुद अपनी खुली किताब दिखा दी, देखी नहीं थी इसने, अब क्या करूं? सुनो, देखो तुम वादा करो किसी को बताओगे नहीं, प्रॉमिस करो, वादा करो तुम नहीं बताओगे, तुम ऐसे नहीं समझोगे, प्रॉमिस। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.